नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज की खास पेशकश ज्योतिष गुरु में। मैं हूं आपका ज्योतिष गुरु शिरोमणि सचिन। आज आपको जानकारी देंगे कि आपका कौन से महीने में जन्म हुआ है और कौन से ग्रह आपके लिए हर तरीके से लाभदायक हो सकते हैं और कौन से ग्रह आपके कामों को बिगाड़ते हैं। तो जन्म के महीने का आपके भाग्य पर कैसा होता है असर, कौन सी खासियत है आपकी और कौन सी कमी है आपकी, ये आपको बताने का प्रयास करेंगे। इन सबसे बचने का एक छोटा सा उपाय भी देंगे जन्म के महीने के हिसाब से। इसी के साथ ही माताओं बहनों की सेहत में आज बताने वाले हैं। यदि वो मोटापे से पीड़ित हैं, उनका फैट बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने के बाद भी, व्यायाम करने के बाद भी बढ़े जा रहा है, तो क्या करें, एक छोटा सा उपाय उनको करना है। आज किचन से लेकर आए हैं एक छोटी सी सामग्री जो आपके कर्ज की समस्या को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। हर दिन की भांति होगा दैनिक राशिफल। कौन सा रंग आपके लिए बेहतर होगा ये आपको बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन शुरुआत होगी हर दिन की भांति आज के दिव्य महामंत्र से। आज का दिव्य महामंत्र है ओम श्री महा हनुमते नमः। इस मंत्र को आप नोट कर लीजिए, ओम श्री महा हनुमते नमः। यह मंत्र 7 बार, सिर्फ और सिर्फ मात्र 7 बार जब आप घर से निकलें तो मान के चलिएगा इसको जाप करके ही निकलें। अचानक आई हुई मुसीबत और सारे संकटों का नाश होता है प्रभु श्री राम भक्त हनुमान जी की महाकृपा से, तो इस मंत्र को आप जरूर जपिएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, अवगत कराते हैं आज के पंचांग से। दिनांक 5 जुलाई 2022, दिन मंगलवार, आषाढ़ मास, शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, नक्षत्र होगा पूर्वा फाल्गुनी, चंद्रमा सिंह राशि में संचरण करेंगे। राहु काल जिससे सभी लोग डरते हैं उस समय को आप नोट कर लीजिए, विशेष तौर पर दोपहर 3 बजे से और 4:30 के मध्य यह समय रहेगा। दिशाशूल होगी उत्तर दिशा, यानी आज के दिन उत्तर दिशा की तरफ आप ना जाएं, आपका कार्य बिगड़ सकता है। विषय की ओर आते हैं और आपको बताते हैं आपके जन्म का महीना आपके भाग्य पर, आपके कर्मों पर कैसे फर्क डालता है और बचने का महा उपाय क्या है यदि आपको कोई ग्रह परेशान करे तो। शुरुआत होगी जनवरी माह से। यदि आपका जन्म किसी भी साल की जनवरी के महीने में हुआ है, क्या करना है भाई? भाई इस महीने का जो लॉर्ड होता है, इस महीने पर जो है सूर्य और शनि का प्रभाव होता है, दोनों ही ग्रह बलवान ग्रह होते हैं, जिसके कारण ये लोग कभी कभी अपने कामों में लापरवाही कर देते हैं, लापरवाही का अंजाम भी खराब भी होता है। इस महीने में जन्मे लोग भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करें, ऐसा करने से उन्हें हर कार्य के अंदर जो है सफलता मिलेगी, हर कार्य क्षेत्र में अव्वल रहेंगे। इस महीने में जन्मे लोग उच्च पद और कला के क्षेत्र में हर तरीके से आगे रहते हैं। तो भाई जनवरी में जितने जो जन्मे लोग हैं वो भगवान सूर्य की उपासना जरूर करें। बात करते हैं फरवरी महीने की। फरवरी महीने में जन्मे लोग कैसे होते हैं इनके बारे में भी बताते हैं। इस महीने में शुक्र का प्रभाव ज्यादा होता है, वीनस लग्जरीज का कारक होता है और इस महीने में जन्मे लोग कला के क्षेत्र में बहुत ज्यादा आसानी से सफल हो जाते हैं क्योंकि शुक्र का महीना है। इस महीने में जन्मे जो लोग हैं वो हर कार्य को करने में सक्षम होते हैं, लेकिन अपनी आदतों में वो जल्दी से बदलाव नहीं करते। जो उन्होंने अगर गलत आदत पकड़ ली तो उसमें परिवर्तन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे लोग जो जिनमें जिनका जन्म जो है फरवरी माह में हुआ है, देवी लक्ष्मी की पूजा अर्चना जरूर करें, आपका हर कार्य प्रगति की ओर जाएगा, हर कार्य में आप सफल हो जाएंगे। बात करते हैं मार्च के महीने में जन्मे लोगों की। मार्च का महीना होता है देवगुरु बृहस्पति का महीना, बहुत अच्छा महीना होता है। इस महीने में थोड़ा गर्मी की शुरुआत जो है होने लग जाती है और लोग जो है जो मार्च में जन्मे हैं चिकित्सा और धर्म के क्षेत्र में हर तरीके से सफल हो जाते हैं और ये लोग भगवान विष्णु की पूजा अर्चना जरूर करें, ऐसा करने से उनका हर कार्य सफल हो सकता है। इस महीने में जन्मे लोग अपनी बात पर हर तरीके से अड़े रहते हैं, यानी इन्होंने कोई गलत बात कह दी तो ये गलत बात पर अड़ जाएंगे। क्या करना है उपाय, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें। बात करते हैं अब अप्रैल महीने में जन्मे लोगों की। भाई अप्रैल का जो महीना होता है
मार्स का महीना होता है, यानी कि मंगल देव का यह महीना कहलाता है। इस महीने में जन्म लोग अपनी बात पर अड़िग रहने के साथ ही जिद्दी स्वभाव के होते हैं। यानी जिन लोगों का जन्म अप्रैल के महीने में होता है उन पर मंगल ग्रह का विशेष प्रभाव होता है। अपनी ऊर्जा और अपने साहस के कारण खेलकूद और हर कार्य में बहुत आसानी से ये सफल हो जाते हैं। भाई ये विशेष प्रभाव होता है मंगल का। इस महीने में जन्मे लोगों को देवी काली या देवी दुर्गा की पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। उनका हर कार्य निश्चित तौर पर सफलता की ओर चला जाता है। अब बात करते हैं मई के महीने में जन्मे लोगों की। अगर आपका जन्म मई के महीने में हुआ है तो मान लीजिएगा आपके जो स्वामी हैं वो भगवान सूर्य नारायण हैं। जी हाँ, भगवान सूर्य की उपासना आपको जरूर करनी है। इस महीने में जन्मे लोग उच्च पद पर बहुत आसानी से बैठ जाते हैं। यदि आपका जन्म बहुत ज्यादा जो है निचले परिवार में हुआ है या निम्न वर्ग के आप हैं तो आपकी मित्रता भी उच्च पद पर बैठे लोगों से होगी। ये आपकी खासियत होती है। लेकिन अपने ओवर कॉन्फिडेंस के कारण कभी कभी आप नुकसान कर बैठते हैं और आपकी लापरवाही तो आपके धन का नुकसान निश्चित तौर पर करा देती है। भाई इस लापरवाही से, इस ओवर कॉन्फिडेंस से बचने के लिए भगवान सूर्य नारायण को प्रतिदिन तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और नेत्रहीन लोगों को मीठा खाना जरूर खिलाएं। अब बारी आ गई जून के महीने की। यह जो जून का महीना होता है इस पर सूर्य और चंद्रमा का मिश्रित प्रभाव होता है। यानी कि सूर्य भी यहां पर खासियत दिखाएंगे अपनी और चंद्रमा भी खासियत दिखाएंगे। इस महीने में जन्मे लोग अपनी जल्दबाजी चंद्रमा के कारण और अपना मनमौजी स्वभाव सूर्य के कारण, चंद्रमा दोनों का मिश्रित प्रभाव के कारण ये अपना काम बिगाड़ लेते हैं। किसी से बात करते समय इनको ध्यान नहीं रहता कि इनको कौन से शब्दों का इस्तेमाल करना है, शब्दों का चयन करना चाहिए। इस महीने में जन्मे लोग किसी भी कार्य को करने में सक्षम होते हैं। दोनों ही राजसी ग्रह हैं सूर्य चंद्रमा, दोनों का ही विशेष प्रभाव इस महीने में जन्मे लोगों पर होता है। अपनी आदतों में सुधार के लिए, जीवन में सफलता के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपके लिए रामबाण उपाय साबित हो सकता है। सफलता का अचूक महामंत्र है हमारे पास और आज किचन की एक छोटी सी सामग्री आपके कर्ज की समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। माताओं बहनों में हम बताने वाले हैं कि उनके लिए आज एक छोटी सी सामग्री रसोई से लेकर आए हैं जो उनके कर्ज की समस्या को तो खत्म करेगी, साथ ही उनके मोटापे की समस्या को भी खत्म कर सकती है। तो आज बहुत सारा हमारे पास ये उपाय को हम एक पिटारा लेकर आए हैं जो आपके साथ साझा करेंगे। अब बात करते हैं जुलाई के महीने की। जुलाई के महीने में जन्मे लोग किस तरीके के होते हैं ये समझते हैं। भाई जुलाई के महीने पर देवगुरु बृहस्पति का आधिपत्य है, यहां देवगुरु की पूजा बहुत जरूरी है। ऐसे लोग भावुक होने के साथ साथ अपने जिद्दी स्वभाव के कारण, भाई भावुक हैं, स्वभाव में जिद्दीपना है लेकिन मन के साफ होते हैं। जुलाई महीने में जन्मे लोग प्राइवेट नौकरी करने में एकदम से दक्ष होते हैं, सक्षम होते हैं, निपुण होते हैं। इनको प्राइवेट जॉब करना बहुत अच्छा लगता है और ऐसे लोगों को भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय मंत्र का जाप प्रतिदिन करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा इनके लिए अमृतमयी जरूर साबित होती है। अब बात करते हैं अगस्त के महीने की। अगस्त के महीने में जन्मे लोग कैसे होते हैं। अगस्त के महीने पर प्रभाव होता है असुरों के गुरु शुक्राचार्य का और उनके परम मित्र शनि का। तो शुक्र और शनि का मिश्रित प्रभाव इस महीने में जन्मे लोगों पर हो जाता है। क्या करते हैं वो, इस महीने में जन्मे लोग मीडिया क्षेत्र में सफल हो जाते हैं। प्रशासन के क्षेत्र में बहुत जल्दी इनको सफलता मिल जाती है। वकालत तो ये चुटकियों में कर लेते हैं क्योंकि अपनी बातों से इन किसी व्यक्ति को, सामने वाले व्यक्ति को प्रभावित करना इन्हें बहुत आसानी से आता है। ऐसे लोग अपनी वाणी के द्वारा कभी कभी बात बिगाड़ भी लेते हैं और अपनी वाणी के द्वारा कभी ये बात बना भी लेते हैं। ऐसे लोगों को भगवान गणेश की पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। हो सके तो हर दिन गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें। ऐसे लोगों को हर शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा अर्चना भी जरूर करनी है। अगला महीना आता है सितंबर का महीना। यदि आपका जन्म सितंबर के महीने में हुआ है क्या प्रभाव होगा। सितंबर के महीने पर पूर्ण रूप से बुध ग्रह अपना प्रभाव रखता है।
आप यदि सितंबर के महीने में जन्मे हैं तो राजनीति में बहुत आसानी से आप सफल हो सकते हैं और राजनीति से जुड़े लोगों से आपका संबंध बहुत गहरा होता है, लेकिन अपनी फिजूल खर्ची के कारण आप नुकसान करते हैं। अपने रसूख को दिखाने के कारण कभी कभी आप जो है पैसे का जबरदस्त जो है नुकसान कर बैठते हैं। ज्यादातर प्रशासन और न्यायिक सेवा में आपको सफलता बहुत आसानी से मिल जाती है। इन समस्याओं से बचने के लिए भाई फिजूल खर्ची से बच जाएं, आपका रसूख हमेशा बना रहे, भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें, मोदक का भोग लगाएं और जरूरतमंद लोगों को बांट दें। देखिए, यदि आपका जन्म अक्टूबर के महीने में हुआ है तो चंद्रमा का पूर्ण रूप से आपके ऊपर प्रभाव होगा, जिसके कारण आप अभिनय और कला के क्षेत्र में बहुत आसानी से सफलता पा जाएंगे। कफ कोल्ड की समस्या आपको घेरे रखेगी, साइनस की समस्या घेरे रखेगी, एलर्जी आपको बहुत जल्दी हो सकती है। यह महीना चंद्र प्रधान होने से स्वास्थ्य में बहुत जल्दी गड़बड़ी कर सकता है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करें, नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और हो सके तो हर पूर्णिमा का व्रत करना आरंभ कर दें। अब बात करते हैं नवंबर के महीने की। नवंबर के महीने में जन्मे लोग कैसा प्रभाव रखते हैं? भाई, इनके ऊपर बुध ग्रह का जो है विशेष रूप से प्रभाव होता है। बुध प्रधान होता है ये महीना, इसलिए इन्हें अपनी वाणी पर बहुत ज्यादा अभिमान होता है। इनकी बुद्धि में चंचलता के साथ साथ क्रोध भी जो है कभी कभी दिखा देते हैं। हसमुख स्वभाव के होते हैं, लेकिन अगर ये किसी बात पर किसी से इरिटेट हो गए तो अपना अड़ियल स्वभाव के कारण ये उससे मित्रता नहीं रखेंगे, बात बिगड़ जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में ये बहुत आसानी से सफल हो जाते हैं, प्रोफेसर बन जाते हैं, लोगों को एडवाइस करना आरंभ कर देते हैं, तो ये इनके लिए बहुत आसान काम होता है। भाई, बुध का विशेष प्रभाव है। ऐसे लोगों को यदि शिक्षा में सफलता चाहिए, अपने करियर में, अपने स्वास्थ्य में, हर तरीके से वो चाहते हैं सफलता मिल जाए, तो देवी सरस्वती के सरस्वती स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए और हो सके तो हर बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा जरूर करें। अंतिम महीना होता है दिसंबर का महीना। दिसंबर के महीने में जन्मे लोग कैसे होते हैं? इस महीने में पूर्ण रूप से जो जन्मे लोग हैं उनके ऊपर शुक्र और मंगल का मिश्रित प्रभाव रहता है। अब आप तो जानते ही हैं मंगल और शुक्र की मित्रता कैसी होती है। भाई, मंगल और शुक्र में जन्मे जो लोग हैं इस महीने पर, जो ये दोनों ग्रह प्रभाव रखते हैं, ये लोग मंगल के कारण पुलिस, सेना और किसी भी फोर्स में बहुत आसानी से सफलता पा लेते हैं और इनका एडमिशन भी हो जाता है। लेकिन एक विशेष तौर पर इन दोनों ग्रहों का प्रभाव होने के कारण, मंगल और शुक्र, कभी कभी यह लोग अनैतिक प्रेम के चक्कर में पड़ जाते हैं। आप शादीशुदा हैं फिर भी आप किसी अनैतिक प्रेम के चक्कर में पड़ जाते हैं तो यह आपके लिए ठीक नहीं है। चीजों को ठीक करने के लिए, अपनी आदतों को, आचार व्यवहार को सदव्यवहार में बदलने के लिए आप प्रतिदिन हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं, हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। ऐसा करने से हर तरीके से आपका दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा और परिवार भी एकदम से स्वस्थ रहेगा। तो आज हम माताओं बहनों को बताने वाले हैं, यदि उनके स्वास्थ्य में कुछ परिवर्तन वो चाहती हैं और चाहती हैं वो बिल्कुल स्लिम हो जाएं और उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहे, पेट की समस्या ना हो, तो छोटा सा उपाय है हमारे पास। अब समय हो चला है सफलता के अचूक महा उपाय को आपके साथ साझा करने का। देखिए, आप चाहते हैं कि हर कार्य में आप सफल हो जाएं तो अपने घर की पूर्व दिशा को हमेशा साफ रखें, आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी और आपका हर कार्य सफल होगा। अब समय हो चला है माताओं बहनों की सेहत और उनके सम्मान यानी रेस्पेक्ट की बात करने का। माताओं बहनों को आज सेहत में हम बताने वाले हैं, यदि वो मोटापे की समस्या से पीड़ित हैं, फैट बढ़ता जा रहा है, आप व्यायाम करते हैं, वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो भी फर्क नहीं पड़ता, एक छोटा सा उपाय आपका कार्य सिद्ध कर सकता है। देखिए, एक गिलास पानी में आधा चम्मच सेब का सिरका आप मिलाकर सुबह के समय खाली पेट पिए तो ये आपके लिए अमृतमयी जरूर साबित होगा। अब बात करते हैं अपनी माताओं बहनों के सम्मान यानी उनके रेस्पेक्ट की। लाल मसूर और थोड़ा सा गुड़ हनुमान जी को अर्पित करें और यह सामग्री अर्पित करने के बाद उनके सामने से उठाकर किसी निर्धन व्यक्ति को दान कर दें। हर तरीके से आप स्वस्थ भी रहेंगी और सम्मानित बनी रहेंगी। अब समय हो चला है रसोई घर के उस महा उपाय को आपके साथ साझा करने का जो आपके
घर से हर तरीके से कर्ज की समस्या को खत्म कर सकता है। आज हम रसोई घर से लेकर आए हैं आपके लिए शुद्ध घी। जी हाँ, देसी घी जिसे आप बोलते हैं। क्या कैसे करना है ये प्रयोग? एक मिट्टी के दीपक में 2 चम्मच आप घी डालें, कलावे की बाती लगाएं और पीपल के वृक्ष की जड़ के पास स्वयं जाकर आप इसे प्रज्वलित कर दें। अपने कर्ज की प्रार्थना श्री हरि से जरूर करें कि हे प्रभु, हमारे कर्ज को आप समाप्त करें। आप देखेंगे कि आपका कर्ज धीरे धीरे उतरने लगा है। तो ज्योतिष गुरु ने आपको बताया कि आपके जन्म का महीना आपके भाग्य पर, आपके कर्मों पर कैसे फर्क डालता है, बचने का महा उपाय भी बताया। तो अपनी दैनिक दिनचर्या में कुछ परिवर्तन करके ज्योतिष गुरु के साझा किए हुए छोटे छोटे उपाय हर तरीके से आपको लाभान्वित करते हैं। फिर किसी नए विषय को लेकर ज्योतिष गुरु आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।